तो मूवी शुरू होती है और हमें जॉर्ज नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में एक्सपर्ट है और रिसेंटली उसने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें उसे एक एडवांस एआई रोबोट रेडी करना था और इसके लिए उसे 3 साल का टाइम दिया जाता है। जॉर्ज जिस फैसिलिटी में अपना काम करता है वो आबादी से काफी दूर है ताकि वो सुकून से अपना काम कर सके और उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके बाद हमें जॉर्ज के 2 इन्वेंटेड रोबोट्स को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम J1 और दूसरे का नाम J2 है। जॉर्ज का सबसे पहला रोबोट J1 था जिसमें काफी हद तक फीलिंग्स हैं और इमोशंस भी। उसका ही एडवांस रोबोट J2 है जिसमें की फीलिंग्स और इमोशंस थोड़ी ज्यादा डेवलप हैं और वो चीजों को काफी अच्छे से जज कर पाती है। ये दोनों ही रोबोट्स जॉर्ज के साथ साथ एक दूसरे का भी ख्याल रखते हैं जिससे कि हम जान पाते हैं कि जॉर्ज ने इन रोबोट्स में काफी अच्छा काम किया है। फिर दिन के किसी हिस्से में जॉर्ज को उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है जिसकी स्क्रीन एक ब्लैक बॉक्स में बंद होती है। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। जॉर्ज जब अपनी वाइफ को देखता है तो उसकी आंखों में हमें पेन नजर आता है मगर इस प्रोजेक्ट की वजह से जॉर्ज अपनी वाइफ से मिल नहीं सकता। इसके बाद जॉर्ज की मीटिंग उसकी बॉस सिमोन से होती है। जॉर्ज अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में सिमोन को ब्रीफ करता है मगर सिमोन उसके काम से खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें एक बहुत ही एडवांस AI रोबोट चाहिए था। अब जॉर्ज को जो 3 साल का टाइम दिया गया था उसमें से 2.5 साल ऑलमोस्ट पूरे हो चुके थे मगर अभी तक वो J1 को ही बिल्ड कर पाया था जिससे कि हम जान पाते हैं कि जॉर्ज ने सिमोन को अभी तक J2 के बारे में नहीं बताया जिसका रीजन ये है कि जॉर्ज अपने एक पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसे डर है कि कहीं सिमोन उसका काम चुरा ना ले। सिमोन उसे कहती है कि तुम्हारे पास कुछ ही वक्त है, अगर इसमें तुम एक एडवांस AI बिल्ड ना कर सके तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। अब यहाँ हम जॉर्ज के पर्सनल प्रोजेक्ट को देख पाते हैं जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसकी बॉडी तो मेटल की है मगर उसके अंदर फीलिंग्स बिल्कुल इंसानों जैसी हैं। J1 और J2 इसी प्रोग्राम का लोअर वर्जन है जिनकी मेंटल ग्रोथ इस ह्यूमनॉइड रोबोट की तरह नहीं है। J1 की मेंटल ग्रोथ 5 से 6 साल के बच्चे जितनी है। J2 का ब्रेन एक टीनेजर के ब्रेन के जैसा है जो कि 40% डेवलप है और ये ह्यूमनॉइड प्रोजेक्ट J3 है जिसकी मेंटल डेवलपमेंट 100% हो चुकी है, बस उसकी फिजिकल अपीयरेंस पर काम करना है। अब यहाँ इनके अंदर जो कॉन्शियसनेस यूज की गई है वो किसी सेम पर्सन की ही है मगर वो किसकी है हमें फिलहाल ये नहीं बताया गया मगर इतना बताया गया है कि वो पर्सन कोई फीमेल है। इनकी कॉन्शियसनेस सेम है मगर उसके लेवल्स डिफरेंट है। अब यहाँ हमें इनकी कॉन्शियसनेस का अंदाजा इस बात से होता है कि J3 के आने से J1 इतना रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसका दिमाग किसी बच्चे की तरह है मगर J2 पर इसका काफी असर होता है। वो उससे एक तरह की जेलसी फील करती है क्योंकि उसके आने से जॉर्ज अपना ज्यादा टाइम उस पर ही स्पेंड करता है और J3 को ज्यादा अटेंशन देता है। जॉर्ज उसकी ये जेलसी फील कर पाता है और वो उसे समझाता भी है कि वो उसे कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा मगर फिर भी ये सब उसे कंसोल करने के लिए काफी नहीं था। अगली सुबह जब जॉर्ज जागता है तो वो देखता है कि मेन गेट से एक वुल्फ अंदर आ चुका है। वो उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच जाता मगर जॉर्ज समझ जाता है कि किसी ने तो ये गेट ओपन किया है। जॉर्ज श्योर होता है कि ये काम J2 का है क्योंकि वो J3 को लेकर इनसिक्योर है मगर J2 इससे इनकार करती है। थोड़ी देर के बाद जॉर्ज देखता है कि एक कार में कोई उससे मिलने आया है। ये मिस्टर सेंक्लेयर और फ्रेडरिक हैं जो कि उसकी वाइफ जूल्स को देखने आए हैं। जॉर्ज उनके लिए ब्रिज को ओपन कर देता है और वो अंदर आते हैं मगर उनके आने से पहले जेम्स J2 और J3 को छुपा देता है। अब यहाँ मिस्टर सिंक्लेयर जब कहते हैं कि उन्हें जूल्स को देखना है तो मूवी का प्लॉट रिवील होता है। असल में जॉर्ज की वाइफ जूल्स आज से 3 साल पहले ही मर चुकी है और जॉर्ज जूल्स से जिस वीडियो कॉल के थ्रू बात करता है वो असल में जूल्स नहीं बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस है। और यहाँ पर मिस्टर सिंक्लेयर इस कंपनी के लिए काम करते हैं जो कि इंसानों की कॉन्शियसनेस यानी कि उनकी सूझबूझ को उनके मरने के बाद एक डिवाइस में स्टोर कर देते हैं जिससे कि वो अगले कुछ सालों तक उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। जॉर्ज ने भी जूल्स की कॉन्शियसनेस को स्टोर करवाया था लेकिन आजकल वीडियो कॉल्स में कुछ खराबी आ रही थी। जॉर्ज जूल्स को कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था। बस जब जूल्स कॉल करती है तभी उसकी बात हो पाती है। असल में जूल्स का टाइम लिमिट खत्म होने वाला है, शायद इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ ही वक्त में शायद वो वीडियो कॉल ही ना कर पाए और सिर्फ ऑडियो कॉल ही पॉसिबल हो सके। अब आज सिंक्लेयर और फेडरिक इसी आर्काइव बॉक्स को चेक करने आए हैं
जिससे कि जॉर्ज वीडियो कॉल कर पाता है। जब वो बॉक्स को देखते हैं तो फ्रेडरिक बताता है कि इसमें से डेटा चोरी किया गया है और जाहिर है कि ये जॉर्ज का ही काम है जो कि इलीगल है। इसलिए फ्रेडरिक जॉर्ज को थ्रेट करता है कि वो इसके लिए जेल भी जा सकता है। मगर यहाँ पर सिंक्लेयर जॉर्ज को कुछ नहीं कहता बल्कि वो उसी का साइड लेता है और आर्काइव को लिए बगैर ही वो वहाँ से चला जाता है। असल में वाकई जॉर्ज ने जूल्स की कॉन्शियसनेस को कॉपी किया था और यहाँ पर रिवील होता है कि अपने तीनों एआई रोबोट्स में उसने जो कॉन्शियसनेस यूज की है वो असल में जूल्स की ही है। उनके जाने के बाद जॉर्ज J3 को फिर से एग्जामिन करता है। वो उसके कुछ टेस्ट करता है और सभी नॉर्मल रहता है, जिसके बाद J3 एक्टिव हो जाती है। वो अपनी बाकी प्रोटोटाइप्स यानी कि J1 और J2 से भी मिलती है। J1 तो उसे क्यूरियोसिटी से एक छोटे बच्चे की तरह देख रही होती है, मगर J2 उसे डिस्टेंस मेंटेन रखती है क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। अब जॉर्ज जब बाहर जाता है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और उसी वक्त घर में इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लक्चुएट करने लगती है, जिसके बारे में J3 उसे इन्फॉर्म करती है। इसके बाद जॉर्ज की बॉस उसे एक आदमी के बारे में बताती है कि उससे एक आदमी मिलना चाहता है और जॉर्ज का उससे मिलना जरूरी है। अगर वो खुद ना गया तो वो आदमी उससे मिलने आ जाएगा। इसीलिए जॉर्ज उससे मिलने जाता है। वो आदमी उसे बताता है कि उसे किसी किस्म का खतरा है, इसीलिए वो उसे एक बॉक्स देता है और कहता है कि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो इस बॉक्स को यूज कर लेना। इसके बाद जॉर्ज घर आकर सो जाता है। यहाँ वो ड्रीम देखता है कि कैसे वो कार में अपनी वाइफ के साथ होता है, जहाँ जॉर्ज बहुत खुश था क्योंकि उसे एक न्यू जॉब ऑफर हुई थी। ये वही प्रोजेक्ट है जिसपे कि जॉर्ज अभी काम कर रहा है। वो उसे बताता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसे एक आइसोलेटेड एरिया में 3 साल के लिए रहना होगा। अब यहाँ पर जूल्स इस बात को लेकर थोड़ी अपसेट थी क्योंकि 3 साल कोई कम अरसा नहीं था। मगर जॉर्ज उसे कहता है कि अगर जूल्स राजी नहीं है तो वो नहीं जाएगा। मगर वो कुछ कह पाए इससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी में जूल्स की मौत होती है, जिसके बाद ही जॉर्ज ने डिसाइड कर लिया था कि वो ऐसा एक एआई बिल्ट करेगा जिसमें कि जूल्स की कॉन्शियसनेस हो। अब इस सपने का बाकी हिस्सा हम नहीं देख पाते क्योंकि अचानक ही एक अलार्म की वजह से जॉर्ज की नींद खुल जाती है। वो फौरन उठता है और उसे पता चलता है कि उसके घर पर हमला हुआ है, कांच टूटे हुए हैं और J3 वहां से गायब है। वो उसे बाहर ढूंढने जाता है मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अपना जरूरी सामान लेने जब वो घर वापस आता है तो J3 उस पर अटैक कर देती है। वो घर पर ही थी और जॉर्ज पर काफी गुस्सा थी क्योंकि J2 ने उसे सब कुछ बता दिया था। अब उसने एग्जैक्टली उसे क्या बताया था ये तो पता नहीं चलता है, मगर वो ये जानती है कि जॉर्ज उसके अंदर अपनी वाइफ को वापस लाने की कोशिश कर रहा है और अगर ये अटेम्प्ट भी फेल हुआ तो वो J4 को बिल्ड करना शुरू कर देगा। और क्योंकि J3 बिल्कुल इंसानों की तरह ही सोचती है तो इसीलिए उसकी फीलिंग्स बहुत ही हर्ट होती हैं। अब जॉर्ज इस सब से थोड़ा परेशान हो जाता है कि कहीं इस एंगर की वजह से उसका सिस्टम इफेक्ट न हो जाए, इसलिए वो टेम्पररी तौर पर J2 को ऑफ कर देता है। उसी रात उसे कंपनी से भी न्यूज मिलती है कि जल्द ही एक टीम वहाँ पर विजिट करेगी और तब जॉर्ज को उन्हें अपना सारा काम दिखाना होगा। अब जॉर्ज के पास ज्यादा टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके उसे J3 को कंप्लीट करना था, लेकिन जॉर्ज के पास J3 के लेग्स नहीं थे, इसीलिए वो J2 के लेग्स डिटैच करके उसे लगा देता है और J2 को ओल्ड कनेक्शन देता है। मॉडिफाई होने के बाद हम J3 को देखते हैं जिसे कि स्किन लगाने के बाद वो ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसी ही दिखने लगती है और अब जॉर्ज थोड़ा थोड़ा करके उसमें जूल्स की कॉन्शियसनेस को ऐड भी कर रहा है और इस तरह जॉर्ज का फाइनल प्रोडक्ट धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इस सब में उसने J2 को काफी निगलेक्ट किया था। उसने उसे वापस से स्टार्ट तो कर दिया था मगर J2 की मेंटल कंडीशन बहुत ही इफेक्ट हुई थी और जॉर्ज को J3 के साथ टाइम स्पेंड करते देखकर उसे और भी बुरा लगता है और एक दिन वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके बाद वो पानी में डूबकर खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस हादसे से और किसी को फर्क पड़े या ना पड़े मगर J1 अकेली हो जाती है। अब एक दिन टेस्टिंग के दौरान J3, जिसके अंदर जूल्स की मेमोरीज हैं, वो जॉर्ज को बताती है कि उस हादसे के दौरान वो प्रेग्नेंट थी और ये बात जॉर्ज को पता नहीं थी। वो काफी हैरान होता है और फिर वो इस बात को कंफर्म करने के लिए जूल्स को कॉल करता है, मगर उसके पास अब बहुत ही कम वक्त बचा है। शायद वो सिर्फ लास्ट कॉल ही जूल्स को कर सकता है, लेकिन वो कॉल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था।
इसीलिए वो कस्टमर केयर में कॉल करता है, जहां से उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी में फ्रेडरिक और सिंक्लेयर नाम के कोई भी वर्कर्स है ही नहीं, यानी कि वो दो लोग जो कि खुद को आर्काइव्स का वर्कर बता रहे थे वो कोई और थे, और यहाँ पर वो सिस्टम को चेक करने नहीं बल्कि कुछ और ही देखने आए थे। अब ये सब कुछ जॉर्ज के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग था। तभी जॉर्ज को रियलाइज होता है कि इस वक्त जो इंसान उससे बात कर रहा है वो भी एक रिकॉर्डेड वर्जन है। जॉर्ज समझ चुका था कि उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और इसे जल्द से जल्द J3 को कंप्लीट करना है। वो इस बार सारा डेटा एक साथ ही J3 में शिफ्ट कर देगा। इससे उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर जॉर्ज को यकीन है कि वो ये शॉक बर्दाश्त कर लेगी। वो सभी तैयारी करने लगता है, मगर तभी उसे सिमोन की कॉल कनेक्ट होती है और सिमोन J3 को देख लेती है। सिमोन यहाँ उससे J2 के बारे में बात करने आई थी, जिसकी बॉडी उन्हें लेक से मिली है, और उससे उन्हें पता चल गया है कि जॉर्ज ने जूल्स की कॉन्शियसनेस को चुराया है, इसीलिए उनकी कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा रहा है। तो कंपनी को बचाने के लिए सिमोन इस प्रोजेक्ट को बंद कर रही है, मगर इससे पहले ही जॉर्ज कनेक्शन को बंद करने भागता है। जब J3 घर पर अकेली होती है तो तब जूल्स कॉल करती है, और J3 कॉल रिसीव करके जूल्स से कहती है कि उसके आर्काइव्स खत्म होने के बाद वो ही जॉर्ज का ख्याल रखेगी। अब यहाँ इस बात से जूल्स को बहुत दुख होता है। जॉर्ज के आने के बाद वो फिर से कॉल करती है। जॉर्ज जूल्स से कहता है कि फिलहाल मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझ पर यकीन रखो, हम जल्द ही मिलेंगे। अब ये बात J3 को समझ में नहीं आती, क्योंकि जूल्स तो मर चुकी है। तब जॉर्ज उसे बताता है कि अब तक उसकी कॉन्शियसनेस कम्प्लीट नहीं थी, उसकी एक अलग पहचान थी, मगर अब वो जूल्स की कंप्लीट कॉन्शियसनेस को उसमें ऐड कर देगा, जिससे कि वो अपनी पहचान खो देगी और कम्प्लीटली जूल्स की कॉन्शियसनेस के साथ अपडेट हो जाएगी। J3 इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं सिमोन भी इस लैब को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रूप्स को भेज देती है। तभी जॉर्ज को उस इमरजेंसी बॉक्स के बारे में याद आता है, तो वो उसे ओपन करता है और उसमें एक गन होती है, मगर ये गन J3 के हाथ लग जाती है। जॉर्ज पर वो उसको पॉइंट करती है, क्योंकि वो जूल्स नहीं बनना चाहती थी। तब यहाँ पर जॉर्ज उसे समझाता है कि वो एक्सीडेंट उसकी वजह से ही हुआ था। उस दिन उसने जो गलती की थी उसे वो सुधारना चाहता है, वो जूल्स को वापस लाना चाहता है। बहुत समझाने के बाद J3 मान जाती है और वो उस पर फाइनल अपडेट करता है। ये प्रोसेस पेनफुल होने की वजह से J3 बेहोश हो जाती है, और इस अपडेट के पूरा होते ही वहाँ से सारे सोल्जर्स भी गायब हो जाते हैं, जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर के बाद जब वो होश में आती है तो वो बिल्कुल ही जूल्स बन चुकी थी। ये मोमेंट जॉर्ज के लिए काफी इमोशनल था। तभी उसे आर्काइव से कॉल आता है। जॉर्ज हैरान हो जाता है कि ये कॉल किसकी है, क्योंकि जूल्स तो यहाँ है J3 के फॉर्म में। J3 उसे फोन रिसीव करने से बार बार मना करती है, लेकिन जॉर्ज को जानना था, और यहीं पर इस मूवी का फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है। ये कॉल जूल्स कर रही थी और वो उसे कहती है कि ये हमारी लास्ट कॉल है, इसके बाद वो कभी उससे बात नहीं कर पाएगी। और इस लास्ट कॉल में जॉर्ज अपनी बेटी से भी बात कर पाता है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो बच्ची तो जूल्स के पेट में ही मर चुकी थी। तो ये इसलिए क्योंकि असल में उस एक्सीडेंट में जूल्स की नहीं बल्कि जॉर्ज की मौत हुई थी, और असल में जूल्स की कॉन्शियसनेस को नहीं बल्कि जॉर्ज की कॉन्शियसनेस को आर्काइव्स में रखा गया था, जिसके थ्रू जूल्स उसकी कॉन्शियसनेस से बात कर पाती थी, और इसीलिए कभी जॉर्ज खुद जूल्स को कॉल नहीं कर पाता था। जब वो कॉल करती थी तभी वो उसे बात कर पाता था। अब पूरी मूवी में हमें यही दिखाया गया है कि कैसे जॉर्ज अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहता था, मगर असल में वो खुद मर चुका था। अब उसकी कॉन्शियसनेस को जिंदा रखने के लिए उसे एक पर्पस देना जरूरी था, तो इसीलिए जॉर्ज का पर्पस एक ऐसा रोबोट बनाना था जिसे कि वो अपनी वाइफ में बदल सके। जॉर्ज की दुनिया में सब कुछ उसकी इमेजिनेशन था, मगर जॉर्ज को हमेशा के लिए जिंदा नहीं रखा जा सकता था, उसका टाइम पूरा होने वाला था। इसीलिए जब वो अपना पर्पस यानी कि J3 को बिल्ड कर देता है तो अब उसका वक्त खत्म हो चुका था, और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।